नमस्कार, आपका स्वागत है अर्चना हेडन रेसिपी में। चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, जिसको आपने तो हजारों बार खाई होगी, पर एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए, वो बहुत टेस्टी रहेगी। इसके आगे नॉनवेज मटन सब फेल है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुकर लिए हैं, इसी में 3 प्याज, टमाटर और 2 लहसुन, थोड़ी सी हल्दी, नमक, सीटी लगाने के लिए चढ़ा दिए हैं। अब इसी के साथ 5 आलू, 5 आलू को मैं छील के, छोटे छोटे आलू हैं, छील के उसमें चाकू से छेद कर दी, और प्याज। इसी के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट और रेगुलर मसाला जो हम लोग डेली यूज करते हैं, हल्दी, धनिया और मिर्च पाउडर, वही मैं डाल रही हूँ। अब प्याज को मैं मोटा मोटा काट ली हूँ। ऐसे के साथ मैं हरा धनिया भी काट के रख लेती हूँ, ताकि हमको सब्जी बनाते समय बहुत आसानी हो। कहीं भी बाहर से आए जाएं तो घर की खाने की याद तो आती ही है, तो झटपट से बनने वाली ये सब्जी है, आप ज़रूर बना के खाएं। चना तो फुला के अब फ्रिज में रखा ही रहता है, फट से निकाली और बनाएं। ईजी भी है, टेस्ट में अलग भी है। इसके साथ मैं पानी डाल दे रही हूँ, ताकि मसाला अच्छे से फूल जाए। मसाला अच्छे से फूला होगा तो बहुत ही अच्छा इसका स्वाद आएगा। ज़रूर मसाला को 5-10 मिनट पानी डाल के फुला लें। मसाला भूनते समय सूखा मसाला डाल देने से वो मसाला जल जाता है, जिसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है, यकीन मानिए। देखिए मेरे चने अच्छे से सीज चुके हैं। मैं 2 सीटी लगा ली थी, चना को मैं रात भर सोख करके रखी थी, इसलिए 2 सीटी में ही फूल गए। कुकर में वही कुकर में मैं ले ली हूँ सरसों का तेल, आप जो तेल खाते हैं वो ले, और उसी के साथ जीरा और बेलीफ है, 1 तीता वाला मिर्चाई है लाल वाला, इसी के साथ कूटी हुई खड़ी गरम मसाला, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी, कस्तूरी मेथी भी मैं डाल दी हूँ 1 चुटकी, और साथ में प्याज, जो 3 प्याज था मैं काट के इसको ले ली हूँ, मोटा मोटा मैं चॉप कर ली हूँ। इसको अच्छे से मैं भून लूँगी, ये तेज आंच में मैं भून रही हूँ, ताकि हल्का प्याज पिंक हो जाए, लो टू मीडियम हीट पे ही भूनें। ऐसे के साथ मैं नमक डाल दे रही हूँ टेस्ट के अनुसार। पहले भी चना में मैंने थोड़ा सा नमक डाल चुकी हूँ, इसलिए आप अपने अंदाजे से नमक डालें। और सिर्फ मसाला जो फूल चुका है उसको मैं डाल दे रही हूँ, और इसको मैं 1 से 2 मिनट भूंजूंगी। देखिए एक टमाटर, बड़े साइज का टमाटर है, इसको 4 फारा कर दी हूँ ताकि सिझ जाए। थोड़ा सा धनिया पत्ता उसी के साथ डाल दी हूँ फ्लेवर। 2 सीटी लगा के मैं ले ली हूँ, मसाला अच्छे से 2 सीटी में सिझ गया है। अब बहुत जल्दी से भुनाई हो जाएगी इसकी। जो आलू मैंने छील के रखा था वो आलू को इसी कुकर में डाल के भून दी हूँ, साथ में लहसुन को भी डाल दी हूँ। लहसुन डाले खड़ा बहुत अच्छा रहता है, साथ में चना उबला हुआ भी डाल दी हूँ, ताकि इसमें उसका मसाले का फ्लेवर अच्छे से फील हो जाए। ये 5 मिनट अच्छे से भुने इसको आप, इसका पानी सूख जाए, मसाला अच्छे से, मसाला तो कुकर में सीटी लगाने से सीझ ही गया है, पर अच्छे से आप भुने। कितना सुंदर इसका कलर होते जा रहा है, देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। और इसी में गर्म पानी डाले, ताकि जो मसाला का कलर है वो सही बना रहेगा। ठंडा पानी डालेंगे तो कलर लास्ट में अच्छा नहीं आएगा। आपको जितना ज़रूरत है उतना ही पानी डालें, अपने फैमिली के अनुसार ही ग्रेवी बनाएं। थोड़ी थी ग्रेवी ही अच्छी लगती है, इसको हम लोग किसी चीज़ के साथ खा सकते हैं। राइस है, पूरी है, पराठा है, रोटी है, चूड़ा भुना हुआ है, या मुड़मुड़ा के साथ, किसी के साथ, सबके साथ ये बहुत अच्छे से चलता है। इसके आगे नॉनवेज भी फैले, काले चने की ऐसी मतलब सब्जी है कि इसके आगे नॉनवेज भी फैले, इतना टेस्टी बनता है। इसका महक, खड़े मसाला का जो फ़ौरन दी हूँ ना, महक दूर दूर तक फैल रहा है। कड़छी में 2 चम्मच घी ले ली हूँ, इसी के साथ शाहजीरा और दालचीनी, तड़क जाता है,
मैं इसके साथ चावल बनाई, उसी के लिए मैं, अरे सूखी मिर्च, लाल मिर्च, ये अच्छे से भुन गया है, मिर्चा के डंठी में आग लग गया था, अच्छे से भुन गया है। हाँ, इसी के साथ थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डाल दी हूँ। ये बिरयानी वाली चावल मैं बनाई हूँ, उसी के लिए मैं ऊपर से हल्का सा इस तरह से करके देती हूँ ताकि खाने में देखने में अच्छा लगे, बिरयानी का फील आता है। आप हड़बड़ाहट में तो बना नहीं सकते हैं, तो सुकून मिले तो बनाए, सुकून से बनाए। इसी के साथ हल्का सा धनिया पत्ता डाल दी हूँ। देखिए मैं सब्जी खोल के दिखाती हूँ, ये कितना सुंदर कलर आया है, बहुत ही सुंदर, और खुशबू तो बहुत ही लाजवाब। देखिए, और ग्रेवी भी बहुत ठीक है ना, बहुत गाढ़ी ना बहुत पतली, बहुत ठीक है। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ, प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए चावल भी कितना सुंदर से बन गया है, मतलब कलर भी बहुत अच्छा है, आया है। आप चाहे तो केसर भी डाल सकते हैं, फूड कलर भी डाल सकते हैं। हम हल्दी जो ऑर्गेनिक है वो अच्छा है। प्लेटिंग कर लेती हूँ इसको, प्लेट में निकाल ली हूँ, और इसी में सब्जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप ज़रूर अपना कीमती वोट हमें दें। बहुत सुंदर और लाजवाब लग रहा है देखने से। इसी के साथ एक लहसुन भी परोस दी हूँ, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप ज़रूर से ज़रूर डालें। और थोड़ा सा सलाद में काट ली थी, तो सलाद से सलाद को भी मैं डाल दे रही हूँ प्लेट में। और सजा दी हूँ जो देखने से थोड़ा अच्छा लगे। अब बेल आइकॉन का दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक ज़रूर पहुंचे। देखिए ये आपके लिए है ये स्पेशल थाली, आप ज़रूर खाएं। काले चने से बनी है ऐसी रेसिपी, इसकी आगे मटन चिकन भी फेल। थैंक यू।